आप इसका 4x2 टाइल्स की चाल बनाएंगे ना, तो यहाँ पे देखो पॉइंट है और इसको कैसे निकालना है, चलो मैं आपको अभी बताता हूँ एक बार इसको कैसे हम निकालते हैं। पहले मैं निकाल के दागे लगाता हूँ टाइल्स में, फिर आपको बताऊंगा कैसे कैसे हमने निकाला है, यहाँ से कैसे निकालते हैं। तो गाइस देखो मैं अपना तरीका से निकालता हूँ और आप अपना तरीका से निकालना, तो ऐसा मत समझना कि मैं ही सिर्फ जानता हूँ ये सब काम करना और आप लोग नहीं जानते हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। मेरा जो तरीका है मैं अपने तरीके से कुछ निकालता हूँ इस तरह से, शायद मेरा तरीका किसी का काम में आ जाए। तो सबसे पहले मैं देखो दीवार को एक बार साहुल में करेंगे, साहुल में करने के बाद फिर हम उधर से मापी लेंगे 2 सूता गैप करके दीवार से पाइप के ही स्टार्टिंग भाग तक, उसके बाद फिर से हम जितना मेरा पाइप का मोटाई होगा उतना हम दूसरा भाग भी ले लेंगे मापी, और उसी तरह से ऊपर का भी जो हमारा लाइन आएगा पहला लाइन जो हमारा लेबल किया हुआ है वहाँ से भी हम ऊपर से मापी करेंगे, उसके बाद हम फिर टाइल्स में जाके दागे लगाएंगे, उसके बाद हम फिर राउंड कटिंग कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कुछ इस तरह से। और सेम हम वाटर पॉइंट को भी कुछ इसी तरह से मापी करेंगे। सबसे पहले देखो हम ऊपर से ले रहे हैं मापी वाटर पॉइंट के ऊपरी भाग तक, ऊपरी भाग से फिर नीचे भाग तक देख लेंगे, कम से कम 1.5 इंच का तो मोटाई होता ही है इसका राउंड, तो हम उसी तरह से इसको ऊपर से भी ले लिए नीचे तक, उसके बाद दीवार से भी सेम हम 2 सूता गैप करके इसको कटिंग कर रहा हूँ। तो चलो देखते हैं कटिंग करने के बाद हमारा ये ठीक से सेट होता है कि नहीं इस तरह से, अगर इस तरह से सेट हो जाता है तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से थोड़ा जल्दी हो जाता है इसलिए इस तरह से मैं करता हूँ। तो चलो कटिंग करके दिखाता हूँ आपको होता है कि नहीं मेरा। तो भाई लोग देखो अभी कटिंग हो गया है मेरा पीस, और अभी सेटिंग करके देखते हैं मेरा ठीक से फिटिंग बैठ रहा है या नहीं। तो देखो फाइनली हमारा पॉइंट कुछ इस तरह से सेटिंग हुआ कटिंग करने के बाद, और लगभग ठीक ही है, ख़राब भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है कटिंग। तो इस तरह से थोड़ा जल्दी हो जाता है, जो ड्रिल मशीन से करने से अच्छा है कि इससे जल्दी हो जाता है, एक ही मशीन से काम हो जाता है। तो चलो इसको अभी हम निकाल के फिटिंग करते हैं एक ही बार सीमेंट डाल के, उसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको फाइनल किस तरह से हुआ है। सो गाइस देखो अभी हमारा पहला पीस लग गया है और ग्रूव भी देखो ठीक ठाक हो गया है, कटिंग किया जिस तरह से मापी करके कटिंग किए थे पूरा ठीक ठाक बैठ गया है। तो इसी तरह से हम चाल बनाते हैं अपना काम का, और चलो अभी फिर सेकंड पीस लगाता हूँ, तो इसी तरह से लगाता हूँ पहले पूरा वाल।